नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका बायोजम्स में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने जा रहे हैं ज़ेब्रा फिश के बारे में। तीन वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें पहले वीडियो लेक्चर में बेसिक बायोलॉजी ऑफ ज़ेब्रा फिश की बात करेंगे, साथ में उसकी मॉर्फोलॉजी की भी बात करेंगे। सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रीज़न कि क्यों उसे ज़ेब्रा फिश को मॉडल ऑर्गेनिज्म माना जाता है। और तीसरे वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ज़ेब्रा फिश। शुरू करते हैं बेसिक बायोलॉजी ऑफ ज़ेब्रा फिश। ज़ेब्रा फिश इज़ अ ट्रॉपिकल फिश नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। जनरली जो ज़ेब्रा फिश है ना वो साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। द लेंथ ऑफ ज़ेब्रा फिश इज इन बिटवीन 2.5 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर। जो लेंथ होती है ज़ेब्रा फिश की वो 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच होती है। लार्वल स्टेज में ज़ेब्रा फिश ट्रांसपेरेंट होती है। अब ये ट्रांसपेरेंट कितना फ़ायदा देती है वो मैं रीजंस में बताऊंगा जो सेकेंड लेक्चर रहेगा। जैसे जैसे ये मैच्योर होने लगती है इसकी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर ब्लू कलर की स्ट्रिप्स दिखने लग जाती है। ठीक है, लार्वल स्टेज ट्रांसपेरेंट और जैसे जैसे ये बड़ी होती गई या बड़े होते जाते हैं तो उनके मैच्योर स्टेज में आते हैं जहाँ पर उनके क्या बॉडी पे स्ट्रिप्स पाए जाते हैं ब्लू कलर के, ये दिखने लग जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन मेल एंड फीमेल की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक आपको डायग्राम बता देता हूँ कि देखो जो यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पे वो फीमेल और मेल की है। ठीक है, देख लिया। अब बात करते हैं वापस कि मेल आर स्लेंडर और टॉर्पिडो शेप यूजली विद पिंक और येलो ट्विंग। जो येलो और पिंक टिंग होते हैं किसके, मेल्स के, और स्लेंडर और टॉर्पिडो शेप्ड में होते हैं मेल। फीमेल लेस पिंक होती है मेल के कंपैरिजन में, और फीमेल का मूवमेंट थोड़ा धीमा होता है, स्लो होता है मेल के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि फीमेल कैरी करती है एग को। ठीक है, अगर वेट रहता है तो वो धीरे ही होगा ना, तो धीरे मूव करती है। हायर द मास लोअर द वेलोसिटी, तो वो ही फंडे को लगाकर फीमेल थोड़ा सा स्लो मूवमेंट करती है और मेल थोड़ा सा फास्टर मूवमेंट करता है। फीमेल और मेल को एक और चीज़ है जो डिस्टिंग्विश करती है, वो है सिल्वरी ब्लू स्ट्रिक ऑन द लेटरल साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, फीमेल के जो लेटरल साइड ऑफ बॉडी है वहाँ पे सिल्वरी ब्लू स्ट्रिक्स पाए जाते हैं, मेल में नहीं पाए जाते। बट हाँ, मेल आर मोर गोल्डन स्पेशली ऑन द वेंट्रल फिन। वेंट्रल फिन की ओर से मेल ज़्यादा गोल्डन होते हैं बजाय फीमेल के। ठीक है, द कम्प्लीट जीनोम सिक्वेंस ऑफ ज़ेब्रा फिश वॉज पब्लिश्ड इन द 2013। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि 2013 मतलब 2013 में ज़ेब्रा फिश का होल जीनोम सिक्वेंस को, मतलब कम्प्लीट जो जीनोम सिक्वेंस था वो पब्लिश हो गया है। ठीक है, आप किसी भी जीन को किसी भी तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है सेकेंड लेक्चर। अब बात करते हैं कि मतलब बहुत सारे जीनोम, अब जीनोम सिक्वेंस हो गया, जीनोम पता चल गए हैं, तो वो जो जीन है वो 26,247 प्रोटीन कोड करते हैं ज़ेब्रा फिश के अंदर। ज़ेब्रा फिश को डेनी और एरियो कहते हैं और ये मॉडल ऑर्गेनिज्म हम कब से मानते आ रहे हैं, 1960 से। मतलब सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ज़ेब्रा फिश पर 1960 में हुआ था, आज है 2022। ठीक है, मोटा मोटा 62 ईयर्स हो गया है ज़ेब्रा फिश को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म। सर रीज़न सेकंड लेक्चर में, सेकंड देखना पड़ेगा आपको। तो चलिए मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं ज़ेब्रा फिश की। मैं यहाँ से पॉइंटर ले लेता हूँ, ये रहा पॉइंटर, ये रहा पेन। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये फीमेल है, ये मेल है। अच्छा बताओ कौन मूवमेंट फास्ट करेगा, कौन मूवमेंट स्लो करेगा? सर मेल मूवमेंट ज़्यादा फास्ट करेगा, मतलब फास्ट करेगा इन कंपेरिजन टू फीमेल। क्यों? क्योंकि फीमेल क्या करती है, एग कैरी करती है इसलिए। ठीक है, मोर गोल्डन देन, मतलब सबसे ज़्यादा गोल्ड कौन होता है, मेल ज़्यादा गोल्डन होता है सर फीमेल से। ठीक है, तो ये है कॉडल टेल फिन, ये है एनल फिन, ये है डोर्सल फिन, ये है पेल्विक फिन, और ये है पेक्टोरियल फिन। ठीक है, ये सारे फिन की बात हो गई। ये है इसका नोस्ट्रिल या नोज एरिया कह सकते हैं इसका, ये है इसका माउथ एरिया, ये है इसकी आई। ठीक है, और ये है मॉर्फोलॉजी ऑफ ज़ेब्रा फिश। तो हमने एक बेसिक बायोलॉजी देख ली ज़ेब्रा फिश की और एक मॉर्फोलॉजी ज़ेब्रा फिश की। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि रीज़न क्या है ज़ेब्रा फिश को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म मानने का। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ओवर द ज़ेब्रा फिश ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिक बायोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। आने वाले लेक्चर में हम रीज़न और लाइफ साइकिल की बात करेंगे। तो बने रहे बायोजम के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।